अंकिता पार्टी तो देखिए वो जो इनका था वो उसको आप क्या पिकनिक पॉलिटिक्स बोल सकते हैं या फिर डिनर पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। हाँ जो लोग अभी बवाल मचा रहे हैं वो लोग तो नहीं आए थे उस समय। तब हाँ बीजेपी भी कहाँ आई थी उस समय, तो जेएमएम भी हाँ उनके तो खैर अपनी राजनीतिक कारण थे, सबका फोकस दूसरी तरफ था निश्चित रूप से। और ये बहुत दुखद हुआ अंकिता की मौत हुई, जिस तरह से भी मतलब बहुत सारी व्यक्तिगत बातें भी इसमें निकल के आ रही हैं, तो फिर हम लोगों को तो मालूम नहीं, उस पर तो कमेंट नहीं करेंगे कैसे क्या हुआ, मगर मेरे ख्याल से बचाया जा सकता था उस लड़की को, जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि बचाया भी जा सकता था उस बच्ची को, मगर नहीं हो पाया। व्यवस्था ही है, कुछ मानसिकता भी है, लोगों की मानसिकता भी है। अब वही बोले ना, बहुत सारी व्यक्तिगत बातें यहाँ पर भी जुड़ी हुई हैं, खासतौर से अंकिता के मामले में, काजल के भी मामले में, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो हमारे समाज की जो अपनी व्यवस्था है और जो माहौल, जो राजनीतिक माहौल भी बना हुआ है उसका भी कारण है। कई लोग अपने व्यक्तिगत रूप को भी, उसमें जो अपने संबंध रहते हैं उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है, तो नहीं ये तो देखिए आजकल ट्रेंड सा बना हुआ है, ये जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है कि सरकार गिर जाएगी या क्या होगा, तो सत्ता पक्ष के जितने भी हैं अपने विधायक जो गठबंधन के, उन लोगों ने यहाँ से मेरे ख्याल से अपना जो है बगल में चले गए हैं, अपना कुछ अपना चिंतन मंथन में लगे हुए हैं सब लोग, और लगातार इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तो वही सब हम लोग क्रिया का जो देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, वैसे पत्रकार वहाँ पर भी यहाँ पर भी पूछे। नहीं नहीं वो तो अभी हम लोग तो अभी एक ट्रेंड सा बन गया है, डिनर पॉलिटिक्स, पिकनिक पॉलिटिक्स जो इस तरह की होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीति से आज के डेट में जो हम लोग जिस तरह से राजनीति का स्वरूप देखते हैं, तो उसमें ये भी एक है कि अपना अलग से बैठ के जो चिंतन मंथन करने की बात जो है वही नज़र आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। और बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए और लोगों मतलब एक अफरा तफरी का भी माहौल फैलाने की हमेशा से कोशिश करती रही है, वो इसमें लगी हुई है। अभी देखिए काजल का ये अंकिता के जो उसका हादसा हुआ कोई झांकने तक नहीं आया, मगर जब मौत हो गई तो उस पर बवाल इतना कर रहे हैं, मगर जबकि व्यक्तिगत जो कारण और उसका आधार बहुत सारे अलग बातें बताई जा रही हैं, उसको बिना किसी प्रूफ के तो मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, मगर जल्दबाजी भी होगी कुछ भी बोलना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो इस तरह के घटनाएं हो रही हैं उसमें सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है, शासन और प्रशासन दोनों को के तरफ से क्लियर मैसेज ऐसे लोगों के प्रति जाना चाहिए कि अगर आप गलत करेंगे तो फिर उसका अंजाम भी बुरा होगा, आपको भुगतने के लिए उसको तैयार करना होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।